नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। 26 फरवरी को मंगल का यह गोचर होगा करीब 14:40 पर, और मंगल धनु राशि यानी देव गुरु बृहस्पति की राशि को छोड़कर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि शनि की राशि है और मंगल की ये उच्च राशि है। मंगल यहाँ पर बेहतरीन परिणाम देते हैं। मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में जाने वाले हैं। आपकी राशि पर बाहुबली चमत्कारी मंगल का क्या रिजल्ट होगा, आइए जानेंगे। मजबूत स्थिति में है मंगल और आपको कितनी मजबूती देंगे ये भी जानेंगे। मंगल के साथ शनि भी होंगे और शुक्र भी हो जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे, और मंगल को कैसे सही किया जाए वो भी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो चार बातें बता देता हूं, मैं क्या बताने वाला हूं, आपको मिलने वाला क्या है और मिलेगा कैसे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं और कितनी सफलता आप पा सकते हैं इस मंगल के परिवर्तन से, यही सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है कि मेरी बताई हुई बातों को अगर आप चले तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, और आप लोग हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जय हनुमान लिखिए, जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैं ये कहूँगा ओम नमः शिवाय लिखिए, शिवरात्रि आ रही है ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे। और आपके कोई सुझाव हैं, कोई बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए शुभारंभ करते हैं, और आने वाली महाशिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं पहले से ही। तो जानते हैं मंगल का मकर राशि में जाना आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए शुरुआत करते हैं। राशि चक्र की अंतिम राशि होती है मीन राशि, के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति की है अच्छी दोस्ती। तो 11वें घर में मंगल जब भी जाते हैं तो आपको दोस्ती यारी खूब मिलती है, दोस्ती यारी का सर्किल खूब बढ़िया होता है। आप एक अच्छी टीम को एक सही दिशा दिखाने वाले इंसान होते हैं, आपका नेतृत्व तो बहुत अच्छा होता है, दुनिया में आपकी पहचान होती है, आप एक अच्छे योजनाकार, एक अच्छे प्रबंधक और ऐसे इंसान होते हैं जिसको अपनी द्वारा की जाने वाली हर योजनाओं पर विश्वास होता है, अपने द्वारा की जाने वाली हर रणनीति, हर काम पर आपका अटल विश्वास होता है कि आप जो करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे। आप बहुत मजबूत और साहसी होते हैं, पीछे मुड़कर देखना आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने प्रयास नहीं, आप सर्वोत्तम प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक आदर्श इंसान होते हैं। कभी कभी आप अपने सहकर्मियों से थोड़े से सख्त हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है कई बार, उसको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 11वें घर में मंगल का आना, धन दौलत का आना, सुख समृद्धि का आना, आरामदायक जीवन जीवन का आना का संकेत है। जीवन में सफलता पाने के लिए आप मेहनत करेंगे और दूसरों से भी मेहनत कराएंगे, आपके पास अपनी मेहनत से भी पैसा आएगा, दूसरों की मेहनत से भी पैसा आएगा, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। आप सही तरीके से सही मापदंड के साथ दूसरे का सहयोग करेंगे और दूसरे से सहयोग लेंगे, उच्च पद पर आप बने रहेंगे, यानी आपकी सफलता टॉप की होगी। आपको ऊंचा उठाने में जिन भी लोगों ने आपको मदद की है, चाहे वो आपके माता पिता हो, दोस्त हो, सीनियर हो, जूनियर हो, उनका थैंक यू जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले अपनों को भूल जाता है। तो नई दोस्ती यारी के चक्कर में पुरानी दोस्ती यारी और पुराने रिश्तों को मत भूलिएगा। मीन राशि के लिए मंगल नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर लाभ, इच्छा, सामाजिकता एकादश भाव में जा रहे हैं, जहां पर मंगल का गोचर आपको पॉजिटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक रिजल्ट देगा। आपके दोस्ती यारी बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आप अपने दम पर कठिनाइयों से, मुसीबतों से, समस्याओं से लड़ेंगे और जीवन में हर कठिनाई को पीछे छोड़ते हुए, शत्रु को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। करियर के लिहाज से देखा जाए तो पदोन्नति हो सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब लग सकती है, शौर्य भरे काम आप करेंगे, आपको जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया, अब आप सफल हो सकते हैं, आपको इनाम मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी,
रिश्ते बेहतर रहेंगे और आपके करियर में एक नई उछाल होगी, पढ़ाई लिखाई में आप आगे रहेंगे, व्यापार में आमदनी 10 नए रास्तों से बढ़ेगी, खूब बढ़िया होता चला जाएगा, नए स्टार्टअप लगाने का मौका है, कुछ नया करने का मौका है, अपना माल बेचने में कामयाब रहेंगे, अपने दिमाग के हुनर से लोगों को कायल कर देंगे, ढेरों 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 लाभ पाते चले जाएंगे, बस लड़ाई झगड़े से बचिएगा, कानूनी मुद्दों से बचिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पैसे की धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं होगी, पुरस्कार भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, सामाजिक जीवन में शानदार महत्व भी मिलेगा, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में आप बहुत अच्छा करेंगे, आनंदमय समय है, माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा, बहुत ही शानदार समय है, घर में खुशियां आ सकती हैं, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय सही रहेगा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ सेहत को लेकर नहीं होगी, एक ऐसा समय जहां पर दुनिया की खुशियां आपके कदमों में होंगी। तो आप मीन राशि के जातक हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, ये मार्च आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा, आने वाले अगले 42 दिन आप खुशियों की क्या कहते हैं खुशियों के पहाड़ पर चढ़े होंगे, जहां से आपको सारी खुशियां एक साथ दिखाई पड़ेंगी। यकीन माने या ना माने आपके लिए बेहतर वक्त है, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपके लिए दोनों हाथों से ईश्वर ने धन दौलत खुशियों के भंडार खोल दिए हैं और आप लूटिए जितना लूट सकते हैं, पाइए जितना पा सकते हैं, अपनी योग्यता जो आपकी योग्यता होगी उस योग्यता से दो पैसे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, और भगवान का और माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। वाणी को मीठा रखिए, लड़ाई झगड़ों से बचिए और ये वक्त है तरक्की का। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है तो आपका रास्ता खुल गया है तरक्की का, पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं होगा, आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे और आप सफल होते चले जाएंगे। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जिसका जो काम है उसमें वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, समस्याओं की समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। बहुत ही बढ़िया वक्त है, आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना चाहिए, इतना बढ़िया वक्त भगवान ने दिया, इसके लिए भगवान का धन्यवाद भी अदा करना हमारा ही फर्ज है। हरि ओम, नमस्कार। क्या आप 2022 और 2023 के बुरे वक्त को टालना चाहते हैं और अच्छे वक्त को अपनाना चाहते हैं? क्या आपको अपनी जिंदगी से प्यार है? क्या आप अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, जिससे आपका परिवार सुखी रहे? क्या आप खुद सुखी रहना चाहते हैं? क्या आप अपनी समस्याओं का अंत चाहते हैं? तो ये वार्षिक कुंडली आपके बहुत काम की चीज है, इसमें आपके ग्रह सितारों की सारी स्थिति की जानकारी और साल 2022 में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और अशुभ चीजों से कैसे बचा जा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी है। आप इसे प्राप्त करें और साल 2022 और 2023 को सुरक्षित बनाएं और खूब मान सम्मान, धन दौलत और अच्छी सेहत पाएं, और ताकि परिवार और आपके घर में खुशियां बनी रहे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, इसके लिए L100 लिखकर व्हाट्सएप करें, कीमत है 800 रुपये, यानी एक साल का शुल्क हुआ 400 रुपये। 400 रुपये में आप अपने एक साल को सुरक्षित कर पाएंगे और 800 रुपये में दो साल को, लेकिन ये दोनों एक साथ दी जाएंगी और PDF के रूप में दी जाएंगी, ये आपको ईमेल आईडी या आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएंगी कुंडलियाँ, और कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऑर्डर करने के लिए L100 लिखें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें दिए गए नंबरों पर। यकीन मानिए, दुख के दिन बीत जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे। नमस्कार।